और ये दौरानिया इतनी जल्दी इख्तिताम पजीर होगा शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा था। जब हम पढ़ा करते थे तो जो पहली जमात से लेकर जो दसवीं जमात का जो दौर था वो हमारे जिंदगी का सुनहरी दौर था। ये दौर दोबारा वापस नहीं आएगा, ना हमारी जिंदगी में आया है ना आप लोगों की जिंदगी में आएगा। लेकिन जाना सबको होता है, अधूरी मुलाकातों के साथ, टूटे सपनों के साथ, किसी के दिल आहजारी के साथ, किसी की बेकरारी के साथ, किसी का यादों का बोझ लिए हुए, किसी से जुदाई का सोग लिए हुए जाना तो सबको होता है। जिंदगी रुक जाने का नाम नहीं है, किसी की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए, किसी मंतजर का मंतजर होने के लिए, कुछ रिश्तों के तकाजों का भरम रखने के लिए, तो कुछ जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करने के लिए जाना सबको होता है। लिहाजा आप भी इस इदारे से जा रहे हैं, लेकिन अपने सुनहरे मुस्तकबिल का दरवाजा खटखटाने के लिए जा रहे हैं, और हमारी पूरी दुआएं आप सभी के साथ में हैं। आप आज के इस दिन को यादगार बनाएं, लेकिन एक हद में रहकर बनाएं, अपने असातिज़ा की इज्जत वकार कायम रखते हुए आज के दिन को आप कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह आप आज एक यादगार दिन गुजारेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सलीका देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। और बात यहां से शुरू करता हूं कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, और फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। सबसे पहले तो मैं शबीर फारूकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ खाकसार को आप लोगों के सामने ज़ादे राय की सीरीज में पेश किया। और मैं सुन रहा था शुरुआत से ही शफी पटेल साहब की खूबसूरत निजामत कर रहे हैं, शब्बीर सर की बेहतरीन तकरीर, नू पटेल साहब की तकरीर, और खूसन जो तलबा आप लोगों ने जो बात की बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की, तो इसके बाद में यकीन जानिए बहुत कुछ बोलने के लिए रहता भी नहीं है, मगर एक दो चीज़ें सिर्फ मैं आप लोगों से क्लियर करता हूँ कि कुछ वक्त के लिए आप लोग बिल्कुल हमातन गोश जो है मेरे साथ में रहिए, और थोड़ा जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर इंटरेक्शन कीजिए, आपस में बात मत कीजिए थोड़ी सी देर के लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको जहाँ पर लग जाए कि आप बोर हो गए, खाली आप अगर इशारा भी कर दे तो मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में मेरे साथ में आगे कुछ अगर आप 45 मिनट 45 मिनट अगर आप रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोग बोर ना हो और काम की बात भी आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं सर? नहीं तो नहीं तैयार है, आप लोग कुछ चीज़ें सुनने के लिए, कुछ इंटरेक्शन करने के लिए तैयार है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी देखिए ये कोई तकरीर वकीर नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने बस आया हूँ, समझिए कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने तजुर्बा पेश करूँगा, कुछ चीज़ें रखूँगा और उसके बाद में चले जाऊँगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से बैठे रहिए, अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ के तमाम असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल साहब, सुपरवाइजर सर, तमाम असातिज़ा को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों की जो तरबियत हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, वो वाकई में जो है वो काबिले तहसीन है, और ये आपके असातिज़ा का और आपके प्रिंसिपल सर का जो है जो ये पूरा और इंतज़ामिया खुसूसन ये सारा के सारा निज़ाम जो चल रहा है वो वाकई में जो है काबिले दीद है। बात यहाँ से मैं शुरू कहीं और से करना चाहता था, लेकिन ये जो सामने आप लोगों के बोर्ड पर जो हदीस लिखी हुई है बुखारी की और मुस्लिम की जो है आप देख सकते हैं पलटकर, शायद आप लोगों की नज़र नहीं गई होगी कभी, तो चलिए वहीं से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। बुखारी की मुस्लिम की जो है वो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। आप में सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो मैं बात यह अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे लोग इस तालीम की रस्ताकशी में बहुत आगे तक निकल जाते हैं, 100% ले लेते हैं, 98% लेते हैं, 95% ले लेते हैं, और हम लोग अखलाक की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देते जो हमारा असल मगज है, जो हमारी असल चीज है। अखलाक हसना जो है ये हमारी असल देन, हमारी तरबियत का हिस्सा है,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सबसे बेहतरीन शख्स कहा है जिसके अखलाक अच्छे हों। तो हमारी दुआएं भी हैं और हम आपको नेक ख्वाहिशात भी देते हैं कि आप चाहे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, टीचर्स बने, वकील बने, आप जो चाहें बने, लेकिन आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनिए। क्योंकि आप अगर एक अच्छे डॉक्टर के साथ में एक अच्छे इंसान हैं, एक हसास शख्सियत के मालिक हैं, तो आपके दिल में जो आपके जहन में आपके दिल में आपके अंदर जो एक ज़मीर सांस लेगा वो लोगों के दर्द को महसूस करेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़, चूँकि 10वीं के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं मेरे असल मौजू की तरफ आता हूँ कि आप लोगों की, चूँकि भाई देखो हम लोग भी इन्हीं कुर्सियों पे से, इन्हीं बेंचेस पे से उठकर आए हुए हैं, हम लोग भी इन उम्रों से गुजर कर आए हैं। तो 10वीं के बच्चों के दर्जे आप में जो है वो अंदर से जो ख्वाहिश ये है कि ये 10वीं का हमारा आखिरी साल है, असातिज़ा जो है वो हम पर ज़रूरत के तरफ, किस बच्चे ने कहा कि हमारी सरजनिश भी करते हैं, ये ज़रूरी भी है। तो ये सख्तियाँ जो है ये हाई स्कूल लेवल तक की जाती है आमतौर पर, उसके बाद में बच्चों के जहन में एक अलग परसेप्शन होता है, आपके जहन में एक अलग परसेप्शन होगा जूनियर कॉलेज का कि आप जो है हम लोग खुली फजा में चले जाएंगे, अब हम लोग कॉलेज में जाएंगे, अब वहाँ पर हमें जो है शब्बीर सर की तरह रोकने टोकने वाला, हमारे ऊपर बर्डन करने वाला जो है या दीगर असातिज़ा की तरह कोई नहीं होगा। तो हम लोग जो है अब खुली फजा में सांस लेने के लिए तैयार हैं, अब हम जाएंगे खुली फजा में। अब कॉलेज की दुनिया के एक अलग अलग चेहरे जो है वो अलग अलग तस्वीरें हमारे जहन में गर्दिश करती रहती है, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्कूल की बनिस्बत कॉलेज में जाने के बाद आपको जो है वो आज़ादी ज़्यादा मिलती है, लेकिन मेरा एक जुमला ये भी आप याद रखिए कि जब आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो कलील वक्त आज़ादी का गलत इस्तेमाल हमें दायमी तौर पर गुलामी की जंजीरों में भी जकड़ देता है। समझ नहीं बात आप लोगों को कि जब हम लोग आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल उठाते हैं, या हम आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या आज़ादी के मफाहिम को समझने में गलती करते हैं, तो ऐसे वक्त में जो है वो आज़ादी हमारे लिए गुलामी बन जाती है, वो गुलामी की जंजीरें बन जाती है, वो कफस बन जाता है, हमारे पांव की जंजीर बन जाती है। अब आप लोग एक पड़ाव से दूसरी पड़ाव की तरफ कूच कर रहे हैं, अब बतौर तालिब इल्म आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती रही हैं, जैसे सर ने कहा कि अब जो है अब जो आपका ये 10वीं का साल है ये जिंदगी का यू टर्न है, ये आपकी जिंदगी को तब्दील करने का जरिया है। अब यहां से बहुत से बच्चों की जिंदगियां दुनिया में एतबार से थी भले बनेगी या बिगड़ेगी, तो आप लोगों को तैयार रहना है, आप लोगों को अब अपने ताल्लुक से बहुत ज्यादा हसास और सेंसिटिव होने की जरूरत है। अब आप तक जो है तमाम असातिज़ा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों पर जो है इनकी बहुत कड़ी नजर थी, अब इसके बाद में हो सकता है कि कॉलेज पर आप लोगों को कॉलेज में जाने के बाद वो असातिज़ा इतनी सख्ती न करें, लेकिन वो आज़ादी आपके लिए बाहर से मसरत की जगह कहीं पर वो तकलीफ का जरिया न बने। अब इसके बाद जब आप लोग जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब सबसे पहली जिम्मेदारी बतौर स्टूडेंट आपकी ये है कि आप कॉलेज में जाने के बाद आप किन लोगों के साथ, किन बच्चों के साथ में दोस्ती करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालेगा। याद रखिए आपका फ्रेंड सर्कल, एक गलती जो है वो कहते हैं कि जब कोई लम्हे कुछ खता करते हैं तो सदियों को उसकी जो है वो भरपाई करनी पड़ती है, सदियों तक जो है वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। तो इसके बाद आपका पहला जो सबसे पहला काम ये है कि आप लोग क्या करेंगे, अपने सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत एहतियात से चुनेंगे। अगर आप यहाँ से जाने के बाद में गलत दोस्तों का इंतखाब करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बास बनेगा। दूसरी चीज ये है कि अब आपको आपकी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है। अब आपको आपकी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस के लिए जो है वो तैयार रहना है। आप लोग ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं आप लोगों तक, ठीक है, बोल तो नहीं हो रहे, नहीं ठीक है, मैं थोड़े टाइम से जब बोलना और शुरू करूंगा तो आप लोग और इंटरेक्ट करेंगे, अभी मैं आप लोगों से थोड़ा मेरा लहजा मिला दूं, ठीक है। तो ये बीच में जो बच्चे बेटा इधर थोड़ा थोड़े से टाइम के लिए बस, हाँ। तो मैं ये आज कर रहा था कि आप कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को आपका जो ग्रुप है वो बहुत सेंसिटिवली चॉइस करना है, क्योंकि अगर आप लोग गलत बच्चों को, याद रखिए अगर कोई शख्स किसी लोहार की दुकान पर जाकर बैठता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी कबा, उसका बदन, उसके हाथ अगर उसकी भट्टी में ना जले तब भी आप अपने आप को उस काले धुएं से नहीं बचा सकते, सही कह रहा हूं, ठीक है। और अगर कोई शख्स किसी मुश्क की, किसी खुशबू की, किसी इत्र की दुकान पर जाकर बैठे वो खरीदे नहीं
फिर भी उसकी खुशबू जो है मुफ्त में आपको मिलती रही। तो आपकी फ्रेंड सर्कल जो है ये आपको उसी तरीके से या तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को डाइवर्ट करेगा। बहुत सी मर्तबा देखा सर के, तो भाई हमारी जितनी उम्रें नहीं है उतनी सर तजुर्बे लेकर बैठे हुए हैं। कई सीनियर असातिज़ा हैं जो मेरी उम्रों से ज्यादा तजुर्बे रखते हैं, उन लोगों को पता है कि कई बच्चे जो दसवीं तक बहुत अच्छे परसेंटेज हासिल करते हैं, अखलाकी एतबार से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कॉलेजेस में जाने के बाद में पता नहीं क्या होता है, जब हम उनको देखते हैं तो हमें खुद यकीन नहीं होता कि ये हमारा बच्चा है। ये क्यों होता है कि वहां पर जाने के बाद में गैर जरूरी आजादी, याद रखिए जिंदगी में हर चीज को तोलने का मैं आपको एक पैमाना दे रहा हूं, जिंदगी में हमेशा हर चीज जो है वो एक मुतबादिल एक दरमियान में वस्त में एवरेज में होनी चाहिए, दरमियान में। जब कोई चीज हद से ज्यादा तजावुज कर जाती है, बढ़ जाती है, चाहे वो आपकी फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, आपकी दोस्ती ही क्यों ना हो, तो फिर जब कोई चीज हद से तजावुज करती है तो उसके मनफी पहलू आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी एक चीज आप लोगों के सामने जो मैं इंपॉर्टेंटली बयान करना चाहता हूं, जो अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि आप आने वाली जिंदगी में चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अभी आप लोगों की जो उम्रें हैं, अभी आप लोगों ने ये समझिए कि कुछ अभी जिंदगी देखी नहीं है, बस घर से निकले हैं, स्कूल तक आए, स्कूल से निकले, घर पर चले गए, मस्जिद में चले गए, ट्यूशन को चले गए। अब आप ये सोचिए कि इसके बाद की जो जिंदगी है, जिस जिंदगी से हमको गुजरना है, वो जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम समझ रहे हैं। आप अभी से अपने आप में वो जज्बा पैदा कीजिए और अपने आप में अपने आप से ये वादा कीजिए कि भाई मुझे आने वाली चैलेंजेस के सामने जो है वो खड़ा रहना है, बल्कि खड़ा क्या रहना है, बरसरे पैकार हो जाना है। क्योंकि आने वाली जिंदगी जो आपको स्पीड ब्रेकर्स पता है, रास्ते पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो रास्ते पर स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं वो स्पीड को ब्रेक करने के लिए होते हैं। कई दफा ऐसा होता है हमारी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बगैर स्पीड ब्रेकर के आप कोई रास्ता नहीं देखेंगे, और ये स्पीड ब्रेकर किस लिए होते हैं, ताकि कहीं पर हादसा ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए स्पीड ब्रेकर रखे जाते हैं, और खुसूसन ऐसे जोन में रखे जाते हैं जहां पर हादसा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वहां पर जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, क्या आप लोग सब सुन लीजिए, तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जिम्मेदारी ये है कि अपनी गाड़ी को कुछ वक्त के लिए धीमी करें, स्पीड कम करें, फिर स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके फिर अपनी रफ्तार से निकल जाए। अब गलती ये है कि अगर कोई ड्राइवर स्पीड ब्रेकर पर अपनी गाड़ी को बंद कर दे, वहीं पर रुक जाए, तो क्या जो है वो ये रास्ता हमवार नहीं है, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, तो फिर अपने मंजिल मकसूद तक वो कभी नहीं पहुंचेगा। लिहाजा हमारी जिंदगी में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आने वाले हैं। मैं जो हमवार चीजें उनको छोड़ रहा हूं, मैं ना हमवार की तरफ आपको गामजन करा रहा हूं, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाइए, अपने आप को साइकोलॉजी तौर पर जो है साइकोलॉजिकली आप पूरे बिल्कुल जो अपने आप को फर्म बनाइए, मजबूत बनाइए, और इस बात को आज अपने जहन में रख लीजिए कि आने वाली जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो आने वाली जिंदगी में आपको जो भी मुसीबतें आए, जो मुश्किलें आए, जो चैलेंजेस आए, तो उन चैलेंजेस को पार करने की कोशिश कीजिए, अपने आप में वो स्पिरिट पैदा कीजिए। और एक चीज आप लोगों के सामने में ये अर्ज करता चलूं कि जिंदगी में जितने कॉम्पिटिशन आएंगे, जितने मुकाबले आएंगे, तो ये एक बात मेरी याद रखिए, मुकाबले हमेशा मजबूतों से कीजिए। आप 9th वाले भी सुन रहे, मुकाबले हमेशा क्या कीजिए, मजबूत लोगों के साथ कीजिए, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि मजबूत और अकलमंद लोगों से हारना, मजबूत और अकलमंद लोगों से हारना अहमकों और कमजोरों से जीतने के मुकाबले में बहुत अच्छा है। क्या अगर हम कमजोरों के मुकाबले में जीत रहे हैं तो उससे सीख कुछ नहीं रहे। तो अगर आपका भाई देखो कॉम्पिटिशन तगड़ा होना चाहिए, आपका कॉम्पिटिटर तगड़ा होना चाहिए, समझ में आ रहा है, जब आप मैदान में उतरे तो इस स्पिरिट से उतरे कि भाई मुझे इस रेस में फर्स्ट आना है, सेकंड की गुंजाइश ही नहीं है, सेकंड की गुंजाइश ही नहीं है। और जब आप वो रेस खत्म कर ले और उस रेस को खत्म करने के बाद फिर चाहे आप आखिरी नंबर पर भी आए तब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन जब कॉम्पिटिशन में उतरना है तो इसी स्पिरिट से उतरना है कि फर्स्ट आना है। उसके बाद फिर आप 10वें नंबर पर आइए, 50वें नंबर पर आइए, आखिरी नंबर पर आइए, फिर आपकी स्पोर्ट्समैनशिप होगी कि जो पहला आया उसको जाकर मुबारकबाद दीजिए कि क्या शानदार दौड़े हो आप, समझ में आ रहा है। और उसके पीछे आपने ये सीखना है कि आज ये मुझसे आगे चला गया, मुझ में क्या कमी रह गई, समझ में आ रहा है। एक चीज हम लोगों में ये देखी जाती है कि जब हम लोग हार जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं चीटिंग हो गई, मैं ही फर्स्ट था,
इसने फलाना कर दिया उसने, भाई जब हार जाए ना तो हार को इतनी खुश दिली के साथ और इतने करेज के साथ में कबूल कीजिए, जाइए फर्स्ट पहले से मेरे भाई क्या शानदार दौड़े, क्या शानदार तरीके से हराया है मुझे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मुकाबला होगा ना मैदान में तब आप मेरी भी तैयारी देख लीजिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अपनी जिंदगी पर उसूल लगाइए, कमजोरों के साथ जितने उतने में कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को एक मिसाल बता दूं, अभी मेरे जहन में आ गई, कहीं पर एक तजुर्बे के लिए जो है वो, चूंकि चीता आप लोगों को पता है फास्टेस्ट एनिमल है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो रखा गया कि कुत्ते में और चीते में जो है डिफरेंस कितना है, कि ये कितने की स्पीड से भाग सकता है, चीता कितने की स्पीड से भाग सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तजुर्बा करने के लिए जो है वो चार पांच अलग अलग नस्ल के कुत्तों को रखा गया ट्रैक पर, जो वो कुत्ते जिनको दौड़ने के लिए, जिनको दौड़ने की आदत थी, जो रेस के कुत्ते माने जाते थे, और उसके साथ में चीता को रखा गया ताकि उनके साथ में जो दौड़ते हुए उनके वो फासले को उसको डिस्टिंग्विश किया जाए कि कितना डिफरेंस है, उनको डिफरेंशिएट किया जाए कि भाई ये इतनी स्पीड इनकी ज्यादा है और इनकी इतनी कम है, और वो कुत्ते जो भागने में बहुत आला कमाल कमांड रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? जब वो रेस शुरू हो गई, जब यहाँ पर कुत्ते रखे हुए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वहां पर एक चीता रखा हुआ है, तो जब रेस शुरू हो गई, जब उनको इशारा किया गया, प्रैक्टिस तो ये थी कि फलाना इशारा करने के बाद में भाग जाता था वो चीता, उसकी ट्रेनिंग ऐसी की हुई थी उन कुत्तों की, उस चीते की, कि जैसे उसको इशारा किया जाए वो चीता निकलता था भागने के लिए और सरपट भागने लगता। जब उस रेस में जहां पर वो टाइमर लगाए हुए एक्सपेरिमेंट करने वाले, तजुर्बा करने वाले लोग जो है वहां पर बैठे हुए, उन्होंने जब वो इशारा किया सारे कुत्ते दौड़ पड़े, वो चीता अपनी जगह से हिला भी नहीं, वो चीता अपनी जगह से हिला भी नहीं। अब वो चीते को जब उस पर जब तफ्तीश की गई, जब उस पर जब तजुर्बा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि कल तक तो जब तक इनको प्रैक्टिस ली जा रही थी, जब इनकी मश्क ली जा रही थी, तो ये सरपट भागने लगता था इशारा करने के बाद, आज क्या हो गया? तो जो है जो माहिरीन थे उन्होंने ये नतीजा अखज किया कि उस चीते के अंदर जो है, ठीक है कि ये उसके ऊपर तजुर्बा हुआ हो या उसके अंदर फिक्शनाइज किया हुआ हो, लेकिन आप जवाब सुनिए कि जब माहिरीन ने उसके ऊपर ये कोट किया कि भाई वो चीते की जो इज्जत नफ्स है वो उसको इस बात के लिए गवारा ही नहीं है कि वो कुत्ते के साथ भाग कर जीते, तो उसका अपने आप जगह पर नहीं भागना और उसका अपनी जगह पर जो है वो खड़े रहना ही उसकी अपनी जीत की अलामत है कि भाई हम हर किसी के साथ में नहीं दौड़ेंगे, हमारा अपना एक मियार है, अपना हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, हम हर किसी के साथ में जीत के लिए नहीं भागेंगे। जब हमारे साथ में हमारा कॉम्पिटिटर इतना तगड़ा हो तब भागेंगे, भाई हम नहीं इनके साथ में, क्योंकि अगर उस रेस में चीता भी जीतना तो जीते नहीं था, लेकिन जब टाइटल आता था कि भाई चार कुत्तों को चीते ने हराया, तो वो जीतना उस चीते के लिए वहां से मसरत होता, अरे खुशी की बात होती, इसके लिए काबिले तजलील होता, जिल्लत होती कि यार कुत्ते के साथ में जीता है। तो याद रखिए कि अपनी जिंदगी में कॉम्पिटिटर्स बड़े रखिए, भले हार जाइए, और एक बात आपको यकीन के साथ कहता हूं, आपको बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों ने इन सालों में सुनी होंगी अपने आसातिज़ा के जरिए से, एक चीज मेरी याद रखिए कि जिंदगी में बड़े सारे स्पीड ब्रेकर्स आने वाले, चैलेंजेस आने वाले, उनके लिए तैयार रहिए, अपने आप को उन मुश्किल वक्तों के लिए तैयार रखिए। कहा जाता है कि जब हम खरगोश की शिकार के लिए जाते हैं तो शेर की शिकार का सामान जो है साथ में रखा जाए, अगर शेर सामने आ गया तो क्या उसको टाइम प्लेस बोल के घर पे आके बंदूक लेकर जाएंगे, अरे क्या करेंगे? तो भले शेर ना आए, लेकिन अपने आप को ये मत की कि नहीं नहीं मेरा तो ये सही सेटल है, यहाँ से पार भी उधर, फिर वो इतने परसेंट वहां, ठीक है, अगर इसके इन बिटवीन कुछ हो जाता है तो आपके पास में प्लान बी तैयार होना चाहिए स्ट्रगल से लड़ने का। प्लान बी कौन सा? स्ट्रगल से लड़ने का, आपके डिमोन्स्ट्रेशन का प्लान बी नहीं, आपके मकसद का प्लान बी नहीं, आपकी मंजिल का प्लान बी मत रखिए। अगर आपके पास में मकसद के ए बी सी डी प्लान है तो समझिए कि आप लोग बहुत गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, मकसद जो है वो एक ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसमें से कितने बच्चों ने सोचा हुआ है कि भाई वो डॉक्टर्स बनेंगे, चलिए मैं कॉमन कॉमन ही पहले फैकल्टीज पूछता हूं, कितने बच्चे सोचे हुए हैं कि डॉक्टर्स बनेंगे? अच्छा इंजीनियरिंग की तरफ किसका रुझान है? इंजीनियर्स की तरफ। अच्छा इंजीनियरिंग में भी आपने कोई पर्टिकुलर ट्रैक सोचा होगा, है ना, कोई मैकेनिक में, कोई आईटी में, अभी एआई का बहुत ज्यादा ये चल रहा है तो वहां पर सोचा होगा, सीए की तरफ जाना चाह रहा होगा, कोई लॉ करना चाह रहा होगा। अब आप इसमें प्लान बी मत रखिए, ठीक है? अब आप सोचिए कि भाई मुझे मेरे घर से डेस्टिनेशन जो ये है, आपने पहुंचना वहीं पर है,
तो स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। जिंदगी जो है क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, अच्छा आप लोग भी देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट पता है कितने 20-20 ओवर का होता है? नहीं, अच्छा तो 5 दिनों तक मैच चलता रहता है। एक मैच कितने दिन होता है? अच्छा 2020 का और टेस्ट क्रिकेट की खेलने की स्ट्रेटेजी पूरी ही अलग है भाई, दोनों भी क्रिकेट ही है ना, 2020 क्रिकेट है नहीं है। अभी तो T10 शुरू हो गया, शायद पता होगा आप लोगों को, 10-10 ओवर का, और यहां पर कितना, एक दिन में 90 ओवर, कितने ओवर एक दिन में, ऐसे 5 दिन यानी कितने, एन एवरेज 450 ओवर, ठीक है। अब यहां पर बैट्समैन की खेलने की स्ट्रेटेजी पूरी अलग है। अब वो आने के बाद में सिक्सर मारता है पहले बॉल में, बोलो। तो ये जिंदगी जो है वो T20 नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है, और इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको क्रीज पर टिककर खेलना है, समझे? क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि एक जो बॉलर होता है ना, बड़ा मुश्किल गेंदबाज होता है, पेस बहुत ज्यादा होती है, 150 की स्पीड में गेंद कर रहा है। हाँ बेटा इधर जनाब, इधर थोड़ा इधर मिल, ठीक है। तो वो जब गेंद करता है, बहुत कोई एक फॉर्म में गेंदबाज होता है, अब वो 150 की स्पीड पर गेंद कर रहा है, ठीक है। अब आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं खेलने के लिए, एक बाउंसर कर रहा है, दूसरा कान के पास से बाउंसर जा रहा है, यॉर्कर कर रहा है, लेग वाइड यॉर्कर कर रहा है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता है, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और हम क्या करते हैं, कोई गलत शॉट खेलते हैं, आउट हो जाते हैं। हम कोई गलत शॉट खेलते हैं और गलत शॉट खेलने के बाद में क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, इसलिए कि यार ये मुझसे नहीं होगा यार, ये तो बड़ी सख्त बॉलिंग कर रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट का रूल ये है कि जो बॉलर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसकी गेंद पे आपने शॉट लगाना ही नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ उसको प्लेट करके ओवर खत्म करनी है और वेट करना है। टेस्ट इज द क्रिकेट ऑफ पैशन एंड टेस्ट इज द क्रिकेट ऑफ पेशेंस। इसमें आपका पैशन भी जरूरी है और आपका सब्र भी जरूरी है। तो जिंदगी में जब आप खेलेंगे तो जिंदगी एक गेंद बहुत मुश्किल डालेगी, एक यॉर्कर डालेगी, एक बाउंसर डालेगी, 150 की स्पीड से डालेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्रीज पर टिकना है। क्यों? क्योंकि जब आपका विकेट नहीं जाएगा तो बॉलर फ्रस्ट्रेटेड होगा, फिर वो गलत बॉल, फिर उसके बाद आप शॉट लगा के रहेंगे। तो आपकी जिंदगी में कई मुश्किल चीजें आएंगी, कई अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी, कोई बात नहीं, कई अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगी। तो मिस जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसका दिल को कोई लगाना नहीं है, पिछले बॉल का टेंशन लेते बैठेंगे तो अगले बॉल में आउट हो जाएंगे। इस बात का यकीन रखना है कि अगर एक मौका गया है तो इसके बाद अगला मौका जिंदगी देगी जरूर, क्योंकि भाई उनको तो 90 ओवर फेंकने ही है। अरे 90 ओवर करने का नहीं करने, अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा मुझे तकरीर करने से ज्यादा आप लोगों की बोरियत की ज्यादा ये होती है, मैं जहां पर भी जाता हूँ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पक्का ना? अच्छा तो वही देखो, उसको उनको तो 90 ओवर करने ही करने हैं। तो आपको क्या करना है कि जिंदगी का जब एक कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो वो आखिरी अपॉर्चुनिटी थोड़ी थी, इसके बाद और आएंगी, उसके बाद और आएगी, भाई जिंदगी तो गेंद फेंकती ही रहेगी। बट यू हैव टू बी देयर, आपको वहां रुकना है, आप लोगों को वहां पर संभलना है। एक गेंद, दो गेंद, 10 ओवर, 50 ओवर, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जिंदगी ऐसे और मुश्किलात आएंगी, नाकामियां आएंगी, उन नाकामियों को बर्दाश्त भी करना है। फेलियर बर्दाश्त करने में बहुत ज्यादा आपकी जो है वो फीलिंग्स लगती है, बहुत ज्यादा मेहनतें लगती है, याद रखिए। नाकाम होना कोई आसान नहीं है, और नाकामियों के बाद फिर खड़े होना जो है, एक बार मैंने कभी कहा था कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जब आप चलते हैं, जब आप बढ़ते हैं तो नाकाम होंगे, अपनी जिंदगी के जो चैलेंजेस है, दसवीं वाली सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, तो अपनी जिंदगी में आने वाली नाकामियों के लिए अपने आप को नफसिया के तौर पर तैयार रखिए। क्या रखिए? तैयार रखिए, अपने आप में जहन में एक परसेप्शन रखिए कि ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूं और आप उन मिसालों के जरिए से सोचिए कि भाई हाँ, अगर नाकाम आदमी होता है तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अपनी जिंदगी में देखो, दसवीं में हर बच्चा कोशिश करे कि आपको 100% मार्क्स मिले, 95% मार्क्स मिले, 98% मार्क्स मिले, आप जितने मैक्सिमम ले सकते हैं आप लीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन का वक्त है, ये मुकाबला आराई का दौर है, ये रस्ता कशी का दौर है, ये ताकुक का दौर है। इसमें आपके परसेंटेज कम आएंगे तो आपको जहां एडमिशन लेना है वहां पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जब हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पहले तो देखो, मैंने कहा कि जब आप रेस में उतरिए तो इस नियत से उतरिए कि हमने फर्स्ट आना है, इसका मतलब यह है कि हमें 100% देना है,
इसके बावजूद अगर हम खुश नहीं आते तो फिर क्या करेंगे? अब जिंदगी में कभी रेस्ट रहना है? बोलो, कोई बात नहीं, इसके बाद फिर रेस्ट में उतरेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट में आए, कोई बात नहीं, फिर जाएंगे। तो ये नाकामियों के बाद में उठने का जो जज्बा होता है, ये आपकी कामयाबी और नाकामयाबी की राह तय करेगा। याद रखिए, आपको जहां कहीं जाना है तो अपने आप में नाकामियों को हजम करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको जज्ब करने की कुव्वत पैदा कीजिए। यह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी आप लोगों की, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। इससे बड़ी स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है कि कोई अपनी हार को न सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि उसको एनालाइज करे, तजजिया करे उसका, कि मेरी क्या गलती हो गई कि मैं हार गया। जीतने वाले से खाइब नहीं होना है, जीतने वाले को अपना हदफ नहीं बनाना है, जीतने वाले के साथ में दुश्मनी नहीं करनी है, बल्कि उसके साथ में तो हमने चंदा पेशानी से उसकी तारीफ करनी है, यार इस मरतबा जीत गया, अगले टाइम नहीं जीतने दूंगा तुझे। बात समझे आप लोग? जब नाकामियां आपकी जिंदगी में आती है तो उस नाकामियों में से जो बच्चा आगे जाता है वो अपना तारीख में नाम करता है। कुछ मिसालें देता हूं आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने जेके रोलिंग का नाम सुना है? बताइए चलिए, कितने बच्चों ने जेके रोलिंग का नाम सुना है? अच्छा, इसके बाद मैं अभी बता रहा हूं, इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन करने वाला हूं, उसमें देखिए इससे कई ज्यादा बच्चे जो है वो हाथ ऊपर करेंगे, मैं पहले से बता रहा हूं। बताइए चलिए, जेके रोलिंग्स का नाम कितने बच्चों ने सुना है? एक दो तीन चार, ठीक है, पांच छह सात बच्चों ने सुना है। हाँ, अब इसके बाद में देखिए, हैरी पॉटर का नाम किसने सुना है? ठीक है, हैरी पॉटर का नाम सुने आप लोगों ने? क्या है, क्या है? हाँ जी, अच्छा देखिए आप लोगों ने किसी ने? अच्छा, तो हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर की, हैरी पॉटर एक नॉवेल है, ठीक है, उसको पिक्चराइज किया हुआ है। तो हैरी पॉटर की जो मुसन्निफा है, हैरी पॉटर की जो ऑथर है, जिसने हैरी पॉटर लिखा है, बेटा नहीं पर इधर, जो जिन जिसने इस हैरी पॉटर को लिखा है उसका नाम है जेके रोलिंग्स। क्या नाम है उसका? नाम जेके रोलिंग्स उसका नाम है। अब मैं आपको उसकी एक कहानी बताता हूँ, बहुत इख्तसार से, मैं चूंकि आप लोगों से बातें ज्यादा शेयर करना चाहता हूँ इसलिए इख्तसार से काम देता हूँ। तो जेके रोलिंग्स के बारे में आप लोग सुनिए, जेके रोलिंग्स ने जो है उसकी जिंदगी बड़ी बहुत अजीब और गरीब जिंदगी गुजर रही थी जेके रोलिंग्स की, और मैं दिगर कई सारे नाम ले सकता हूँ, मगर मैं जानबूझकर इसलिए नहीं ले रहा हूँ, जो जिन बातों से आप लोग रिलेट करेंगे मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, ठीक है? तो जेके रोलिंग्स जो है, नाइन वाले पीछे वाले परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? थोड़ा सा जरा इधर। हाँ, तो देखिए, जेके रोलिंग्स जो है उसने कहानी लिखी हैरी पॉटर, और उसकी जिंदगी बड़ी खराब सी चल रही थी, उसकी तलाक हो गई थी और उसकी एक बेटी थी उसके साथ में, उसका जो एक छोटा सा एक रूम का अपार्टमेंट था वो उसने दे दिया था किराए पे, यूएस पे किराए पे दे दिया, और उसका जो किराया आता था उससे जो है वो अपनी बेटी के कुछ अखराजात पूरे करती थी, और वहां पर जो गवर्नमेंट का शेल्टर हाउस था वहां पर रहती थी, यदि कहते हैं जिसको, तो उस तरीके का कोई था तो वहां पर, जिसका कोई नहीं होता तो वहां पर जाकर रहा करते थे। उसके बाद में उसने जो है वो एक रेस्टोरेंट में कुछ नौकरी वोकरी शुरू कर दी, और वहां पर जो है अपने ऑफ टाइम में ये कुछ कहानी लिखती थी, लिखने के बाद में कहानी पूरी हो गई, कहानी पूरी होने के बाद उस कहानी को पब्लिश कराने के लिए वो जो है वे पब्लिशिंग हाउस के पास में लेकर चली गई। जब वो पब्लिशिंग हाउस के पास लेकर चली गई, उसने बताया कि भाई ये फलानी फलानी मेरी कहानी है, उन्होंने कहा इससे पहले आपकी भी किताब शायद हुई है? कहा नहीं नहीं, कहा पहली है। कहा ठीक है, आप जाइए, हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे। 10 दिन के बाद जो है, जब वो रोलिंग्स 10 दिन 15 दिन के बाद में वापस उसके दफ्तर में चली गई, तो वो जिसके पास में उसने उसका मुसविदा दिया था, उसने बड़ी बेरुखी के साथ में मुसविदा टेबल पर फेंक दिया। कहा कितना गंदा लिखती हैं आप, क्या जुमला था बोलिए, इतना गंदा लिखती है आपका, इतना भी गंदा कोई लिख सकता है? कहीं से कोई पढ़ेगा वड़ेगा नहीं, फाड़ दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, कितना खराब, आपने मेरा वक्त जाये कर दिया, मैंने कुछ सफेद पढ़े इसके मेरा वक्त जाये हो गया, इतना खराब कोई लिख सकता है? तो जब आपको कोई निगेटिव रिमार्क करे, अपनी तारीफ के लिए मत तैयार रहिए, तारीफ सुनने के बाद वहां से चले जाइएगा, तारीफ और जो, जब आपको निगेटिविटी होती है ना, जब आपकी कोई मनफी चीजें बयान करते हैं तो उसको एक स्पार्क की तरह इस्तेमाल कीजिए, उसको बोलिए मत, उसको बताइए कि अच्छा आप मैं करके बताता हूँ। ये बहुत सारी चीजें हमको उन लोगों के लिए करनी है जो ये करते हैं, कहते हैं कि इससे नहीं होगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें तो हमें उन लोगों के लिए करनी है
तो जेके रोलिंग्स ने जो है वो किताब उठाई, बड़ी हताश हो गई, बहुत ज्यादा जो है वो डिस्करेज कर दिया उसको, वहां से निकल गई बड़ी मायूसी की हालत में, फ्रस्ट्रेटेड हो गई और सोचा कि यार मैं जाऊं अब उसको जलाऊं फाड़ दूं। फिर ख्याल आ गया कि नया इतनी रातें जागी हुई है, इतनी मेहनतें की हुई है, खैर पड़ी रहेगी कहीं पर। कुछ हफ्तों के बाद में थोड़ी सी संभली, दूसरे एक पब्लिशिंग हाउस के पास लेकर गई कि मैं हो सकता है इसको पसंद नहीं आई, दूसरे को पसंद आए, दूसरे पब्लिशिंग हाउस के पास लेकर चली गई। उसने कहा कि ठीक है भाई हम लोग पढ़ेंगे, आपको दे देंगे, जब वो फलानी तारीख को आइए बताते हैं। जब चली गई उसके बताए गए वक्त पर उसने फेंक दिया। कितना गंदा लिख दिया, बड़ा बेकार लिख दिया, अभी पढ़ेगा बढ़ेगा नहीं है। और ये क्या समझ के आप मेरे पास लेकर आई थी कि आपने इसको पब्लिश करना है, आपने इसको किताबी शक्ल देनी है, कौन पढ़ेगा इसको। वहां से आ गई हैरी पॉटर की किताब को, जो उसका पहला वॉल्यूम था, उसको तकरीबन 12 से 15 जगहों से रिजेक्ट किया गया। और रिजेक्ट ऐसा सादा सीधा नहीं कि नहीं नहीं हम तो, वो उसके साथ तकल्लुफ के साथ में रिजेक्ट नहीं किया गया, इतनी बेइंतफाती के साथ में जो है वो लथाड़ कर रिजेक्ट किया गया कि अगर जेके रॉलिंग्स की जगह पे दूसरा कोई शख्स होता तो उसी के ऑफिस के डस्टबिन में अपना मुसविदा फेंक कर फिर हम लोग बाहर चले आते। लेकिन बड़े लोग जो है वो बड़े लोग अपनी कामयाबियों की वजह से कम जाने जाते हैं, बड़े लोग अपनी नाकामियों को एब्जॉर्ब करने की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। उसके बाद में जो है अपनी हार नहीं मानी, यहाँ वहां भटकती रही। अब उस पूरे के पूरे माहौल में जो है एक बात फैल गई थी कि यार एक जेके रोलिंग नाम की लड़की है, वो अगर लेकर है जो आपस में उनका मिलते हैं, है ना, अब जैसे हम लोग टीचर्स लोग हर फ्रेटर्निटी के लोग मिलते हैं, बैंकर्स मिलते हैं, तो लेकर के आएगी भाई पढ़ना वढ़ना दे, हमारा वक्त तो बर्बाद हो गया, आपने नहीं लेना। अब उस इलाके में जो है, अब उसके दूसरे इलाके में और एक ऐसा पब्लिशिंग हाउस था जो बिल्कुल नया नया शुरू हुआ था, बहुत नया शुरू हुआ था। अब उसने सोचा कि भाई देखो मेरी तो कोई शनाख्त भी नहीं है, कहा कि ठीक है मैं पढ़ लूंगा। जब वो चली गई वहां पर रखकर, जब वापस वहां पर लेने के लिए आई तो उसके मालिक ने, उसके मुदीर ने कहा कि भाई देखिए मैं बहुत रियल फैक्ट कहता हूं कि मुझे आपकी कहानी पसंद नहीं आई, मुझे आपकी कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन जब मैं आपकी इसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरी बेटी 10-11 साल की मेरे पास में बैठी हुई थी, उसने कहा आपको जरा जोर से पढ़िए, तो मैंने जरा थोड़ा उसको लाउडर पढ़ा, मैंने जरा थोड़ा उसको जोर से पढ़ा, तो उस मेरी बेटी को आपकी कहानी पसंद आई, मैंने जितने भी सफात पढ़े उसके सामने तो उसने एंजॉय किए, वो हंसी, उसने कहा हाँ आगे पढ़िए आगे पढ़िए। तो मैंने उसके लिए जो है ये इसके कुछ सफात पढ़े हैं और वो चाहती है कि इस किताब को पब्लिश करे, मेरी इसके अंदर कंसेंट बिल्कुल नहीं है, मुझे तो आपकी कहानी पसंद भी नहीं आई, और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर छापूं तो मेरी बेटी की खुशी के लिए छापूंगा, मुझे आपकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता किसी तरीके से जो उसने कहा कि ठीक है मैं छाप दूंगा, और उसने जो उस बेटी की गरज से ही, नया नया था उसको कोई नाम हुआ नहीं था, उसने जो हैरी पॉटर की किताब शाये कर दी। और उसने जेके रोलिंग्स को एक मशवरा भी दिया, कहा देखिए मोहतरमा मैं एक मशवरा ये देता हूँ, मैं तो आपकी किताब छाप रहा हूँ लेकिन आप मुसन्निफा नहीं है, आप नॉवेल निगार नहीं है, लिहाजा आइंदा आप लिखने से इज्तनाब कीजिए, अब आप मत लिखिए। पता चला दूसरी किताब भी मेरे ही पास में पब्लिशिंग के लिए आ गई, तो कहा कि आप लिखिए मत, आप नहीं मुसन्निफा है, आपके वो लिखने का हुनर, आपके लिखने का पन नहीं है। मगर जैसे तैसे करके जो है 14-15 पब्लिशर के पास जाकर जेके रोलिंग की वो किताब जो है वो शाये हो गई। और जब वो किताब बाजार में मुतारिद हो गई, उसके बाद में वो किताब जब बिकनी शुरू हो गई, जब किसी ने लाया, जब अपने पड़ोसियों को बताया, उसने अपने क्लासमेट को बताया, किसी ने बताया, वो किताब बिकने लग गई, बिकने लग गई। कुछ दिनों के बाद में, चूंकि कम ही किताब की एडिशन, भाई उसको यकीन नहीं था कि कोई पढ़ेगा, तो बहुत कम 200-500 किताबों का एडिशन छपा हुआ था, वो हाथों हाथ बिक गई। उसने जेके रोलिंग को फोन करके बताया कि भाई आपकी पहली किताब की एडिशन छप गई है, आपका कंसेंट चाहिए, दूसरा एडिशन छापना है। उसने कहा बिल्कुल छापिए, और दूसरी दुकानों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। हैरी पॉटर की दूसरी जो किताब छपी वो कुछ दिनों के अंदर बाजार से वैनिश हो गई, खत्म हो गई, और लोग एडवांस पैसे जमा करने लगे, और हैरी पॉटर की किताब जेके रोलिंग्स की दुनिया की वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर बुक बन गई। वो हैरी पॉटर जिसको 10-15 जगहों से रिजेक्ट किया गया था, कहा इससे गंदा तो कोई लिख ही नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद और एक बात सुनिए मजेदार, एक बात आपको ये अर्ज कर दूं कि इसके बाद में फिर जो है एक मर्तबा उसके, अब इसको चेक्स आने शुरू हो गए, अब पैसे भी आने शुरू हो गए। और इससे पहले जो एक बात मैं भूल गया था कि उसको पब्लिशिंग के लिए जो कुछ पैसे चाहिए थे, उसके पास पैसे ही कुछ नहीं थे, उसने अपने गले में छोटा सा नेकलेस था, वो नेकलेस बेच के उस पब्लिशर को पैसे दिए थे।
अच्छा उसके बाद एक दिन जो जेके रोलिंग को कुछ रॉयल्टी के पैसे आने शुरू हो गए, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, सेकेंड एडिशन बिका, हाथों हाथ बिका, बड़े तादाद में बिका। सर आप बैठिए ना प्लीज, सर बैठिए आइए ना। अच्छा तो उसके बाद में जो है वो उसका सेकेंड एडिशन बिका, थर्ड एडिशन बिका, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बुक बन गई। अच्छा उसके बाद में आपको बताऊं, जेके रोलिंग्स को एक दिन यकायक हॉलीवुड के सबसे नहीं कहूंगा मगर एक बहुत बड़े डायरेक्टर के पीए का फोन आता है, उसके मैनेजर का फोन आता है, कहा कि मेरी बात जेके रोलिंग से हो रही है। कहा हाँ जेके रोलिंग से हो रही है। कहा कि फलाने फलाने डायरेक्टर जो है वो आपके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं। तो जेके रोलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है jkrowling.com, उस पर जाइए, या अगर आपको बहुत पुराना अगर कभी उसका इंटरव्यू मिला टाइम्स मैगजीन में अगर कभी मिला तो पढ़िए उसमें। तो वो कहती है कि मैं कुछ सेकंड तक जो है वो बिल्कुल ऐसे मुजस्मा बनकर खड़ी रही कि किसका, मुझे, वो औरत जो कल तक अपनी बेटी के दूध के पैसे तक नहीं चुका सकती थी, रहने के लिए घर नहीं था, उसको किसका फोन आ रहा है, हॉलीवुड के सबसे बड़े जाने पहचाने डायरेक्टर के मैनेजर का। कहा कि आप मिलना चाहेंगी? उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं मिलना चाहूंगी। तो कहा आइए फलाने फलाने जगह, कब आप डेट देंगी? कहा मैं तो भाई फ्री ही हूँ। तो एक डेट दी कि भाई इतनी इतनी जगह पर आइए मिलिए। अच्छा उसको समझ नहीं आ रही कि मेरी क्यों मुलाकात, उसके तस्वुर में भी नहीं, ख्वाब में नहीं, ख्याल में नहीं। जब गए मिले उसने कहा कि मैंने आपकी नॉवेल पढ़ी है, मैंने हैरी पॉटर पढ़ी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो कहा कि मैं आपसे कंसेंट ये चाहता हूं कि क्या हम इस पर कोई हॉलीवुड में पिक्चर बना सकते हैं, अब इससे बड़ी क्या बात होगी। हाँ जी सर बिल्कुल बनाइए। जब उसने कंसेंट दी, जब एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ, तो जब उसको एडवांस पेमेंट का चेक आया तो उसके जीरो गिनने के बाद जेके रोलिंग ने उसके मैनेजर के पास में शिकायत की, कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आपने गलत चेक दे दिया, इतनी रकम मुझे पता चला बैंक में जमा कर दूं और फिर वहां जाकर बेइज्जती हो कि वहां से आप चेक रुकवा देंगे, भाई आपका चेक नहीं था गलती से। तो उसने कहा कि भाई ये फलानी फलानी अमाउंट उसमें आई है। कहा ये आपके एडवांस, यही आप ही का है। उसके बाद में फिर जो हैरी पॉटर फिल्म की शक्ल में आई, फिर हैरी पॉटर ने क्या दुनिया में कमाल किया आपने देखा। उसके बाद में जो है फिर उसको हैरी पॉटर के डायरेक्टर ने जो है वो कंसेप्चुलाइज किया कि क्या आप इसका सेकंड पार्ट लिख सकती है। उसने कहा बिल्कुल लिख सकती हूँ, उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ। और उसके बाद में आज के वक्त में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेके रोलिंग इस वक्त में दुनिया की सबसे दौलतमंद मुसन्निफा है। बिलियन डॉलर में जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी वेल्थ है, और किस किताब पर, जिसको रिजेक्ट 15 दफा कर दिया था, लताड़ कर दिया इससे ज्यादा। तो जब आप किसी नाकामी की तरफ बढ़ते हैं या जब आपको लोग निगेटिव कहना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं ये आपसे नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, उस वक्त में अपने आप में स्पार्क पैदा कीजिए कि भाई चाचा अब ये आप ही के लिए करके दिखाऊंगा, अब मुझे किसके लिए करना है, हाँ आप ही के लिए करूंगा, और आप मेरे जहन में कोई नहीं है, अब तो आप ही की शक्ल रहेगी। यार किसी दिन आप सोचिए तो सही, आप जाइए आईएएस में, आईपीएस में, आप कभी जाइए, कभी आप यूपीएससी दीजिए, और खामोशी से उन लोगों के लिए जो कहते हैं आपसे नहीं होगा, सुबह का वक्त हो, वही आपके पड़ोसी या आपके फलाने रिश्तेदार या वो लोग जो कहते थे कि इससे तो कुछ होगा ही नहीं, जब सुबह में न्यूज देखे कि एआर में जो है एयर में रैंकिंग में फलाने फलाने नंबर पर ये फलाना आया है, कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है, आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ है, आईएफएस के लिए हुआ है, आईएफओएस के लिए हुआ है, तब वो आए मिठाई लेकर और क्या कहेंगे बताए, क्या कहेंगे वो लोग जो कल तक कहते थे कि आपसे कुछ नहीं होगा। जब आप कोई चीज अचीव करेंगे उसके बाद भले मेरी आपसे मुलाकात ना हो तो शब्बीर सर को आकर या अपने आचार्य को बताइए कि हाँ ये हुआ, तो वो लोग जो कहेंगे कि आपसे नहीं हो सकता वो आपके घर में मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे और आपके वालिदैन से कहेंगे कि भले बच्चा शरारती था लेकिन हमें पता था कि ये जरूर करेगा, इसमें काबिलियत थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा इसी पे से मुझे एक दूसरी मिसाल याद आ गई, चलिए मैं लिंक करते हुए आगे चलूं, एक और मैं नाम लेता हूँ, ये जो मैंने कहा ना ये लोग कहेंगे नहीं होगा फिर आपकी तरफ आ जाएंगे, आपने एक और नाम सुना होगा, पता नहीं अगर सुना होगा फिर मुझे बताइए, ऑस्कर पिगारियो का नाम सुना है किसी ने, सुना है किसी ने, नहीं सुने, ठीक है आज सुनिए ऑस्कर पिगारियो का नाम, एक और शानदार पर्सनैलिटी है। ये मैं चीजें आपको इसलिए बताता हूँ कि मेरा इस पर बाकायदा तहकीकी काम है, मैं जो इनकी लाइफ स्टडी करता हूँ, मेरे पास में इनकी लाइफ स्टडी जो है, और इंशाल्लाह जो है आप लोगों की अगर दुआएं रही तो बहुत जल्द जो है इस प्रोजेक्ट पर मेरी एक किताब भी आप लोगों के हाथों में आएगी इसी तरीके की काम पर। तो ऑस्कर फिगारियो जो है एक एथलीट है, 10वीं वाले मेरी बात बहुत ध्यान से इसलिए सुनिए कि अब आप लोगों ने अपनी मंजिल तय करनी है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, अब आपको आपकी मंजिल क्या करनी है, तय करनी है कि आपको कहाँ जाना है। ऑस्कर फिगारियो एक एथलीट है
और अफ्रीका की कंट्री से जो है बिलोंग करता है, ऑस्कर फिगेरियो, नाम याद रहेगा, ऑस्कर अवार्ड से ऑस्कर भी याद रहेगा ही रहेगा, इतने ऑस्कर डालने के आ गया, ऑस्कर फिगेरियो। ऑस्कर फिगेरियो जो है एक बहुत एतदार, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत शॉर्ट ठीक ठाक हाइट का जो है एक बंदा, उसने अपने हाई स्कूल ही के जमाने में सातवीं आठवीं में यह तय कर लिया कि उसे एथलीट बनना है। क्या बनना है? बोलिए, एथलीट बनना है। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर ये सारी चीजें तो ही है, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई उसे एथलीट बनना है। अब मजेदार बात सुनिए उसकी। अब एथलीट जो है, नाइन वाले बेटा इधर है, अच्छा मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो देखिए, अब ऑस्कर फिगेरियो जो है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या बनना है, और एथलीट में उसने डिसाइड कर लिया कि उसे वेट लिफ्टर बनना है। वेट लिफ्टर बताया ना, वेट लिफ्टिंग जो करते हैं ओलंपिक में वगैरह। और उसने अपने घर में बता दिया कि मेरी जिंदगी का ख्वाब, मैंने कहा पहले ही कर्ज किया कि आप लोग अपने मुश्किलों से जूझने में जब आपके सामने भी चैलेंजेस आए तो उससे जो है वो पीछा छुड़ाने में आप मल्टीपल ऑप्शंस रखिए, ए बी सी डी, प्लान ए काम नहीं किया, बी से करेंगे, बी नहीं हुआ सी से करेंगे, जाइए जेड तक, फिर ए बी बी पर, आपके पास हजारों रखिए, लेकिन जब आप अपनी मंजिल तय कर रहे हो उसमें ऑप्शन नहीं होगा, उसमें ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा देखिए, आप मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सुबह में निकला मेरे घर से, मुझे कहाँ आना था, स्कूल पे शब्बीर सर की दावत पर मुझे यहाँ पहुंचना था। अब मेरा मोटिव बिल्कुल तय था कि मुझे यहीं पर आना है। ठीक है, अब जब मैंने रास्ता लिया थोड़ा सा आगे आ गया, एक वक्त आ गया कि जहां पर जो है मुझे ट्रैफिक मिल गई। अब ट्रैफिक मिल गई, प्रॉब्लम आ गया था। अब मैं सोचो भाई नहीं, ये तो लेफ्ट का रास्ता तो जो भिवंडी जा रहे हैं बहुत ट्रैफिक वाला है, राइट का रास्ता बहुत खुला है, ये जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो चलिए इसी से चले जाते हैं, तो चलेगा? अरे बोलो, हमने क्या करना है कि उस ट्रैफिक में से आगे कैसे निकले। रास्ता नहीं बदलना है, रास्ता बदलेंगे तो मंजिल बदल जाती है। रास्ता जब बदलता है तो मंजिलें बदलती है, तो हमने मंजिल नहीं बदलनी है, हमने रास्ते को उसको किस तरीके से आगे जाना है वो सोचना है। तो मैं ये आज कर रहा था आपकी बिजनेस में कि ऑस्कर फिगेरियो ने जो है वो ये तय कर लिया कि मुझे एथलीट बनना है। अब एथलीट बनने के लिए उन्होंने वेट लिफ्टिंग का सिलेक्शन किया कि मुझे वेट लिफ्टर बनना है, और उसने अपने आप में अपने आप को एक गोल दे दिया, अपने आप को एक गोल दो, एक टास्क दो कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज हासिल करनी है, कितनी मुश्किल आए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, हाँ बेटा वो ग्रीन शर्ट वाले इधर, हाँ एक बात आपको बताता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में आपकी मंजिल, ये मेरा जुमला बहुत ध्यान से सुनिए, कि अगर आपके मंजिलों का ताकुब करते हुए, मंजिलों पर पहुंचते हुए अगर बहुत छोटी छोटी मुसीबतें आ रही है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें आ रही है, तो ये सोच लीजिए कि आपने मकसद बहुत छोटा सा सिलेक्ट किया हुआ है। बड़े जब आप मंजिलों की तरफ, बड़े गोल्स की तरफ, बड़े टास्क की तरफ जब आप जाते हैं तो उसके दरमियान में जो है वो जो ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, जो मसाइल होते हैं वो भी बड़े आते हैं। उबेद भाई का एक शेर है उबेद आजम आजमी का, कि हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइल भी बड़े आते हैं। ठीक है, तो ऑस्कर फिगेरियो ने एथलीट बनने का सोच लिया और अपने आप को टास्क दे दिया कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतना है। क्या जीतना है साहब? ठीक है, ओलंपिक एथलीट स्पोर्ट्स की सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन है, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। ओलंपिक के गोल्ड मेडल से बड़ा कोई अवार्ड है नहीं। अब उसने अपने आप को टास्क, देखो टास्क सबसे मजबूत दे दिया, टास्क सबसे मुश्किल दे दिया कि उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को टास्क बढ़ा दो। जब ओलंपिक में आप कभी आज यूट्यूब पर जाकर देखिए, जो आर्चरी जो तीर अंदाज जो होते हैं ना, जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो जब अपने तीर को छोड़ते हैं ना, तो तीर को छोड़ते हैं तो जहां पर उसको बुल कहते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको बुल कहते हैं, तो बिल्कुल दरमियान में उसके सेंटर में लगने के लिए जब वो तीर को छोड़ते हैं तो उसके निशान से एक आध इंच कुछ सेंटीमीटर जो थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब उसकी कमान से तीर छूटेगा वहां तक जाएगा, जब तक ग्रेविटी भी तो कुछ काम करेगी, तब तक भले कुछ माइक्रो सेंटीमीटर सी, कुछ मिलीमीटर सी, लेकिन वो तीर नीचे आएगा ना, तो उससे सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन दे दी कि भाई मुझे गोल्ड मेडल चाहिए ओलंपिक में। ठीक है साहब, अब जो है, अब गोल्ड मेडल जीतना कोई खाने का काम नहीं, पहले तो वहां पर सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात है। अब जो इसने इतनी मेहनतें शुरू की, फिर उसके बाद तो उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद में स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जितने कॉम्पिटिशन थे वो जीतने शुरू कर दिए, और जीतते 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 जो है वो जो नेशनल सिलेक्टर्स थे उसकी नजर में आ गया।
ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि आप लोग जो है, हम लोग फोकस में आने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग लाइमलाइट में आने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। आप मेहनत कीजिए तो लाइमलाइट खुद आ जाएगी आपके पास। आप लोग उसमें मीडिया में आने के लिए, फोकस में आने के लिए मेहनत मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए वो सारी चीजें जो है आती रहेंगी। तो ये जो है सिलेक्टर्स की नजर में आ गया कि एक लड़का है, नौजवान है, अच्छा है, वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, और किसी वजह से जो है उसने किसी तरीके से जो है वो सिलेक्टर्स की नजर में आ गया, और आने के बाद में जो है उसका सिलेक्शन हो गया नेशनल में। फिर नेशनल कॉम्पिटिशन जो अमेरिकन होते थे, फिर एफ्रो अमेरिकन होते थे, फिर उसके बाद में एशियो अफ्रेंस होते थे, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन टाइटल जो है जीते, सिल्वर गोल्ड, और आखिरकार उसकी जिंदगी की मकसद की तरफ एक कदम ऐसे बढ़ा कि उसको उसकी मुल्क की तरफ से ओलंपिक के लिए सिलेक्शन किया गया, ओलंपिक के लिए सिलेक्शन किया गया। अब जब सिलेक्शन किया गया उसका ओलंपिक के लिए, तो ओलंपिक के लिए सिलेक्शन होने के बाद अब जो उसकी तैयारी होती है, उसकी मेहनत और बढ़ गई। उसने चला गया, जब ओलंपिक में चला गया, मैं इतना साल से पढ़ता हूं ताकि आगे के पॉइंट अब तक पहुंचाऊं। तो जब वहां पर चले गए हो, जब ऑस्कर उसका फिगारी जब ओलंपिक में पहुंच गया, और पैशन ये था, बहुत नौजवानी की उम्र है, 21-22 साल की उम्र है, पैशन ये था कि मैं क्या जीतना है, मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, जी गोल्ड मेडल जीतना है। अब गोल्ड मेडल फर्स्ट, पहला प्राइज इनाम है। अब गोल्ड मेडल जीतने की ख्वाहिश में जाने वाला जो ऑस्कर फिगारियो था, उसका ओलंपिक में नंबर आ गया 22वां। कितना नंबर आ गया? 22वां नंबर आ गया उसका। ये नहीं कि सिल्वर जीत गया या ब्रॉन्ज जीत गया या पहला कॉन्सोलेशन, कुछ नहीं, 22वां नंबर। बहुत ज्यादा ये हो गए, मीडिया ने तनकीदें शुरू की, तनकीदों को बर्दाश्त करना है, तनकीदों को बर्दाश्त करना है। ये हमारी शख्सियत को संवारने में जितना तनकीदें काम करती है, और कोई तारीफों से कभी आपकी शख्सियत नहीं संवरेगी, कभी नहीं संवरेगी। याद रखिए मेरा जुमला, अगर आपकी शख्सियत में निखार आएगा तो तनकीदों से आएगा। आज अगर सर आपको बोल दे क्या बेटा ये बहुत गलत बैठा है, ऐसे नहीं बैठना, तो ये आपको नेक्स्ट टाइम सही बैठने का तरीका सिखाएगा। बात समझे? तो क्या हो गया, वहां पर 22वें नंबर पे आ गया, बहुत मीडिया ने पूरी कि भाई कैसे कॉम्पिटिटर को भेजा, 22वें नंबर पर आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फलानी चीजें हो गया, आ गया घर पे। अब उसके अंदर आग तो थी, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है वो दूसरी मरतबा उसकी ख्वाहिश थी कि भाई मैं जाऊं और क्या करूं ओलंपिक में। ओलंपिक कितने साल के बाद आता है? अरे कितने साल के बाद आता है? हर साल तो आता नहीं है। अब जब हर 5 साल के बाद ओलंपिक आएगा तो उम्र भी तो पड़ेगी, उससे कम उम्र कॉम्पिटिटर्स भी तो आएंगे, आएंगे क्या नहीं आएंगे। दूसरी मर्तबा जो है उसकी खुशकिस्मती थी, या खुशकिस्मती नहीं कहेंगे, उसकी मेहनतें थी कि दूसरी मर्तबा भी उसका जो उसी कंट्री से सिलेक्शन हो गया ओलंपिक के लिए, दूसरी मर्तबा चला गया। और इसलिए चला गया, बहुत कम उम्र में उसने पहला ओलंपिक क्वालिफाई किया था, मैंने 20-21 भी शायद ज्यादा कह दिया, बहुत कम उम्र में। वहां से जो है जब वो चला गया वहां पर दूसरी मर्तबा, तो दूसरी मर्तबा कहा कि भाई इस मर्तबा तो मैं जरूर, अच्छा ये क्लिप जो है आपको यूट्यूब पर मिलेंगे भी, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, तो ये आपको कहीं पर उसको सर्च करना पड़ेगा अलग से, तो वो कहीं पर मिलेगी भी। तो आप सोचिए कि दूसरी मर्तबा चला गया कि इस मर्तबा मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, और सर दूसरी मर्तबा वेट उससे उठा ही नहीं, दूसरे ओलंपिक में गोल्ड अपना वेट उससे उठा ही नहीं, उसके हाथ में मोच आ गई, वो जो पाउडर था वो स्लिप हो गया, उससे उठाई 3 चांस लेते हैं ओलंपिक में, उससे उठाई नहीं वेट। सारी तनकीदें फिर हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, उसके बाद में फिर आ गया वापस, इसकी इन बिटवीन जो है बहुत सारे टाइटल जीतता था, बहुत सारे गोल्ड, कई सारे गोल्ड मेडल्स हैं उसके। लेकिन अब उसने वो खामोश नहीं रहा, उसने कहा कि यार मेरा मकसद है ओलंपिक का गोल्ड मेडल, मुझे दूसरे गोल्ड मेडल से सरोकार ही कोई नहीं है, मुझे चाहिए तो गोल्ड मेडल ओलंपिक का ही चाहिए। तीसरी दफा क्वालिफाई करने के लिए उसको बड़े पापड़ बेलने पड़े, उसकी उम्र से 8-8, 10-10 साल छोटे जूनियर जो है बहुत मजबूत लोग आ गए थे, मगर तीसरी मर्तबा जब उसने क्वालिफाई किया ओलंपिक में, तो उस वक्त में किसी तरीके से उसको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहां पर चला गया। जाने के बाद में जो है सिल्वर मेडल जीता। क्या जीता भाई? ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ओलंपिक का सिल्वर मेडल दीगर कॉम्पिटिशन के सैकड़ों गोल्ड मेडल की कंपेयर में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन ऑस्कर फिगारियो मुतमईन नहीं था, अब उसको पता था कि अगले ओलंपिक में मेरा चांस नहीं लगेगा, कंफर्म है। मजाक है, कोई खेल है कि आप किसी एक कॉम्पिटिटर को जो है आप 15-15, 16-16 साल तक, 17-17 साल तक आप उसको कॉम्पीट कराए, दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी तो है। लेकिन उसकी मेहनतें ऐसी थी, जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था,
उस ओलंपिक के गोल्ड मेडल के लिए वो अस्कर फिगारिया जो है वो ऐसी जी तोड़ मेहनत कर रहा था, कोई कॉम्पिटिटर उसके सामने टिक ही नहीं रहा था। तो सब सिलेक्टर्स भी कह रहे थे कि भाई हम क्या करें, कि भाई किसी को जीतने नहीं दे रहा ये, तो अब जो है नाम वाला, और ये उसने अपने आप से तय कर लिया कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी चांस, अब नहीं हुआ तो अब नहीं कभी होगा, अब इसके बाद में तवक्कात जीरो रह गई उसकी। और अब देखिए मैंने कहा कि जितने आपका गोल बड़ा होगा मुश्किलें उतनी ही बड़ी आती रहेंगी। जब इस मरतबा वो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था तो 11 या 10 महीने पहले, ओलंपिक से 10 महीने पहले, जब ओलंपिक की तैयारियां शबाब पर होती है, उस वक्त में ऑस्कर फिगारिया का एक कॉम्पिटिशन में वेट उठाते हुए राइट हाथ जो है ये यहां से डिसलोकेट हो गया, हड्डी यहां से क्या हो गई, डिसलोकेट हो गई। अब भाई सारा के सारा दारोमदार इसी पर, आप कहां से उठाएंगे, हाथों से उठाएंगे ना, वेट लिफ्टिंग किससे करेंगे। और उसको ऑपरेट किया गया, उसको ऑपरेशन हुआ, और उसी में जो है तकरीबन 2-2.5 महीने वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास और यहाँ वहां पर जाने के बाद में मुश्किल से जो है 7-6 महीने बचे हुए थे। सबने कहा कि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। उसने कहा सर मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। उसने बड़ी जीतड़ मेहनत की, नेशनल में फिर से जो है हराया, और इस मरतबा टूटे हुए हाथ के साथ में ऑस्कर फिगारिया ने अपनी जिंदगी के आखिरी ओलंपिक में जो है वो हिस्सा लिया। और इस मरतबा जो है 3 नंबर जो ओलंपिक के जो स्टेडियम होते हैं ना, वो Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4 कई सारे गेम्स एक साथ में जो है वो चलते रहते हैं वहां पर। तो उस वक्त में सारी दुनिया की मीडिया पहले से परसेप्शन दे चुकी थी, जब लोग आपकी नाकामियों के मरसिए पढ़ रहे हो, जुमला याद रखेंगे मेरा, अरे जुमला याद रखेंगे, जब लोग आपकी नाकामियों के मरसिए पढ़ रहे हो तब आपकी कामयाबियों के कसीदे पढ़वाना उनसे बड़ी बात है। मीडिया पूरी इंटरनेशनल मीडिया टूटी पड़ी थी कि जब अच्छा था तब नहीं जीत पाया, आप क्या जीतेगा, आप तो इंजरी है, ये सारे सिलेक्टर्स पे उस पे जो तनकीदें हो रही थी। लेकिन इस मर्तबा ऑस्कर फिगारिया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता टूटे हुए हाथ के जरिए से। और वो मीडिया जो कहती थी, जो नकाद थे, जो तनकीदे कर रहे थे और बेजा तनकीदे कर रहे थे, तो उन लोगों को ये बता दिया और वो लोग उसके आगे पीछे भागने लगे कि भाई हमें तो यकीन था कि ऑस्कर फिगारिया करके दिखाएगा, इसमें पोटेंशियल है गोल्ड मेडल जीतने का। बात समझ में आ रही है? तो जो आप पर तनकीदे करते हैं उनको अपना मजाक बनाइए, अपना फैन बनाइए। जैसे सर ने कहा कि कहीं जाते हैं स्टूडेंट मिलते हैं तो हमारा ख्वाब ये होता है कि भाई हमारा बच्चा हमसे कोई बड़ी पोजीशन पे मिले तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाए कि भाई देखो ये जो कलेक्टर है ना मेरा स्टूडेंट है। सर ये शब्बीर सर ने जो कहा आपके सामने, तो ये क्या क्या चीज थी, उसके पीछे फीलिंग्स थी सर की, जो तकरीर थी या असातिज़ा ने जो आपके सामने जो चीजें रखी है या रखी जाती है, एक अंग्रेजी का बहुत अच्छा सा एक स्टेटमेंट है कि वर्ड्स कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, वर्ड्स can be translated from one language to another language, but emotions cannot. क्या अल्फाज का तर्जुमा कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन अब जज्बात का कैसे तर्जुमा करेंगे? तो ये जो आपके सामने चीजें रखी जाती हैं, ये जज्बात होते हैं। तो आप लोग अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार नहीं है, नाकामियों से डरिए मत, ठीक है। अगर आप शाम के 8 बजे तक यहाँ पर बैठे रहेंगे तो मैं आपको शाम के 8 बजे तक जो है मुसलसल आपको मिसालें देते रहूंगा इंशाल्लाह। बात समझ रहे हैं आप लोग? हजारों मिसालें हैं, लेकिन हम अपनी मिसाल दूसरों को देने वाले बने। हम जो है वो इतनी मेहनतें करें, क्योंकि याद रखो जिंदगी में पीछे आपने कभी मुड़ना ही नहीं है। हिरन को पता है, हिरन, अरे हिरन को पता है, जानते हैं डियर हिरन को पता है कैसा दौड़ता है? क्या ख्याल है आपका? अरे कैसा दौड़ता है भाई? वो शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है, पता है आपको? शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है कौन? हाँ, इसके पीछे भी अल्लाह की मसलियत है कि भाई वो शिकार है, शिकारी करता है ना वो शेर, तो उससे ज्यादा उसके बचने के लिए उसको अल्लाह ने और इसके लिए अंदर और जो है वो चीज दे रखी है अपने डिफेंस के लिए, उसके अंदर सलाहियत दे रखी है। तो अल्लाह ने हर इंसान में, हर जानदार में जो है एक सलाहियत, अपने आप को अपने अंदर झांकिए, आईने के सामने खड़े रहिए और सोचिए कि मुझ में क्या पोटेंशियल है, मुझ में क्या चीज है, अपनी जो क्या कहते हैं अपने उसको, आपके अंदर आपकी जो ताकत है, आपकी जो सलाहियत है, उसको पहचानिए। देखिए शेर जो है वो चीते से, अपना हिरन से थोड़ा कम फास्ट दौड़ता है, हिरन जो है वो शेर से तेज भागती है, लेकिन शिकार कौन करता है? क्यों करता है?
आप कभी भी डिस्कवरी चैनल पे देखिए या यूट्यूब पर देखिए तो आप हमेशा आपको ये दिखेगा कि जब शेर किसी हिरन का ताकुब करता है, पीछा करता है, तो उस हिरन में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बचेगा, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि शेर कहां तक पहुंचा है, और पीछे मुड़ने में जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है। पीछे मुड़ने में क्या होता है कि स्पीड जो है वो कम हो जाती है। लिहाजा आप पीछे मत मुड़िए, अपने अंदर के टैलेंट को देखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं, आपको पता है कि मुझमें ये चीज है, आप उस पर काम कीजिए। आप जो है वो उसके अंदर आपको जिंदगी में जब भी कहीं लगे कि हाँ अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑब्स्टेकल फील कर रहा हूँ, कुछ स्पीड ब्रेक करा रहा हूँ, तो रेस्ट लीजिए। और आपने देखा है बहुत सारे जानवर, चाहे वो शेर हो चाहे वो चीता हो, जब उसको कहीं पर बहुत लंबी छलांग लगानी होती है ना, तो एक कदम पीछे आता है। क्यों आता है पीछे? डर के आता है? नहीं, तो कुछ रेस्ट लीजिए और उसके बाद फिर ऐसी छलांग लगाइए कि फिर दुनिया देखती रहे। फिर उसके बाद में ऐसी छलांग लगाइए कि फिर जो है वो दुनिया देखती रहे। और मेहनत तो आप सब लोग करते हैं, मेहनत कहां करनी है ये सीखिए। मेहनत जो है ये कहां करनी है ये सीखिए। एक मिसाल आप लोगों को देता हूं मैं। आप लोगों ने ट्रेडमिल देखा है? ट्रेडमिल, अरे जिस पर दौड़ते हैं जिम में, देखा है? कितने बच्चे दौड़े उस पर? चले दौड़े, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप सोचिए कि उस ट्रेडमिल पर जब आदमी दौड़ता है उसके आगे किलोमीटर आते हैं, देखिए मीटर आते हैं, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की आती है, बराबर है? आप कदम बढ़ाते हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी मिसालें सुनिए कि हमने मेहनत कहां करनी है, इस पर नतीजे अखज होते हैं। अगर आपको यहां से सर कहते हैं भैया आपको जाना है किसी रास्ते पर, आप उस रास्ते पर जाइए और 20 किलोमीटर तक आप रास्ते पर चलिए, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप किसी मकाम तक पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? वही 20 किलोमीटर उतनी ही पोटेंशियल से, उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही मेहनत से, उतना ही पसीना निकाल करके आप उस ट्रेडमिल पर दौड़ते रहिए तो कहां पहुंचेंगे? अरे कहां पहुंचेंगे? तो ट्रेडमिल पर हम मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे, भाग रहे, मगर पहुंच कहीं दे रहे हैं। तो मंजिलों पर पहुंचने के लिए रास्ते का सही तायुन भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो आप ऐसे दौड़िए कि आपका रास्ता भी सही हो और आपकी मेहनतें भी सही जगहों पर जो है वो सर हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, और एक 5-10 मिनट खाली मुझे बर्दाश्त कीजिए आप। अच्छा, बोर तो नहीं हो गए ज्यादा? पक्का? अच्छा, पीछे वाले बोर हो गए इस तरफ नहीं करे? नहीं, अच्छा ठीक है। तो मैं ये आज कर रहा था कि हम लोग जो है कहां मेहनत कर रहे हैं और किस सर्ज पर मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अहम होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जरा मेरा जो पैड ये है मैं उसको चेंज करता हूं। अब मैं जरा थोड़े से भी दूसरे ट्रैक पर आता हूं। आखिरी 5-10 मिनट है तो मैं उस 5 मिनट पे 10 मिनट पे जो है अब मैं थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पर ये आता हूं कि आप लोग अब जब भी इसके बाद जिंदगी में, ये सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं, ये यहां के लिए नहीं, हमेशा जिंदगी में मनफी लोगों से दूर रहिए। किसे दूर रहिए? देखिए दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं। क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में तामीराती जहन कहते हैं। क्या कहते हैं? तामीराती जहन कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, और एक होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंड है मतलब तकरीबाती जहन है। तो आप किसी के सामने जाइए, आप कुछ अपनी बात रखिए तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छा है, वो भी आगे जाएंगे, आपको भी आगे जाने के लिए कहेंगे, और वो कहेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, करेंगे। आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए तो आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। अगर आप अपने आप को निगेटिव लोगों के साथ में रखेंगे, तो उनकी निगेटिविटी आप तक पहुंच कर आपकी जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, आप भी उन्हीं की तरह निगेटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए। और एक चीज आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत की उस हदीस मुबारक से कि आप में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, तो आप जिस किसी मकाम पर जाइए एक अच्छे इंसान जरूर बनिए। डॉक्टर्स बहुत हैं बेटा, बस आखिरी 5 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है? मुझे अंदाजा है आप लोगों की थकावट का, बस अच्छा चलेगा ना 5 मिनट और बैठूंगा, तो आखिरी 5 मिनट दीजिए बस। और वैसे ही सुनिए जैसे बाद में से सुन रहे बेटा, जनाब इधर 5 मिनट से बात। तो मैं ये आज कर रहा था कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर्स बनिए, सीए बनिए, आप जो कुछ बनिए एक अच्छे इंसान जरूर बनिए।
और अच्छे इंसान बनने की शुरुआत अपने घर से कीजिए। कहां से कीजिए? एक पैगाम जो मैं आज के जलसे के ताल्लुक से और आज के जलसे के जरिए से मैं आप लोगों तक पहुंचाना ये चाहता हूं कि अपने वालिदैन की कदर कीजिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। दो तीन प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों के सामने रखता हूं और फिर उसके बाद में जो है वो आपकी सारी जहमतें तमाम फिर मैं बैठ जाऊंगा। अपने वालिदैन की कदर कीजिए और वालिदैन के बाद में सबसे अहमियत की अगर शख्स है तो वो आपके आसातिज़ा है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि शब्बीर फारूकी सर आपके प्रिंसिपल हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसे आसातिज़ा जो है आपका पूरा आसातिज़ा का जो अमला है ये आपको एक पेरेंट की तरह से ट्रीट करता है। और आप लोगों की न सिर्फ आपको सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते हम लोग, मैं मेरे बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ देखो बेटा आप लोग जो है वो 5-6-7 में आ जाते हैं, उर्दू सीख जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये किताब में दिए गए इतने सफात नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मेरे बच्चों को कहता हूँ कि ये आपके सारे भी आसातिज़ा जो आपको पढ़ा रहे हम आपको कभी कभार जिंदगी भी पढ़ाते हैं। तो ये जिंदगी है जो मैं आपके सामने 2005 में जो रख रहा हूँ जिंदगी, ये चीजें अपने आप में पैदा कीजिए तो ये आपकी कामयाबी की इंशाल्लाह जमानत होगी कि अपने वालिदैन की कदर कीजिए। एक बात जो सर भी बहुत महसूस कर रहे होंगे, आप सारे आसातिज़ा महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस करता हूँ कि देखा यह जा रहा है कि हम अपने वालिदैन की कदर नहीं करते। वालिदैन की वालिदा की जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कदर नहीं करते। अगर अम्मी है तो मतलब खैर अम्मी के साथ में ठीक है, एक बेतकल्लुफाना अंदाज है वो तो फितरी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद वालिदा का मकाम, वालिद का मकाम जो है ये हम उस वक्त तक अपनी कामयाबियों की मंजिलों को सर नहीं कर सकते जब तक हम उनके मकाम का अंदाजा न लगाएं। और आप लोग अपने वालिदैन के लिए 10वीं वाले आप बिल्कुल अब बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अब मेरी तरफ बिल्कुल हमादन गोश मुतमिन हो जाइए। आप बस 2-4 मिनट आप लोगों के लूंगा मैं। और ये है कि अपने जहन में अपने आंखों में हमेशा अपने वालिदैन की तस्वीर लटकाए रखिए। वो वालिदा जो जब सुबह आप अपने स्कूल के लिए आते हैं तो सुबह आपके उठने से पहले आपका टिफिन तैयार, आपके उठने से पहले आपका नहाने का पानी तैयार, आपके लिए वो वालिद जो अपने खून को पसीने में बदलते हैं, आप अपने वालिदैन की कद्र कीजिए इससे पहले कि लेट हो जाए, ताखिर हो जाए, देर हो जाए। कई सारे बच्चे जो है अपने वालिदैन की कद्र नहीं करते और जब वालिदैन जैसी ऐसी नेमत है कि उसका नेमुल बदल कोई नहीं है, इसका नेमुल बदल है ही कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका मफहूम और खुलासा ये है कि अगर मेरी वालिदा जिंदा होती और मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता और अगर मेरी वालिदा मुझे आवाज देती तो मैं नमाज तोड़कर मेरी वालिदा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता कि लब्बैक बताएं क्या हुक्म है। जो 100% नंबर आ देता है और अपने वालिदैन का नाम फरमाने तो मेरी नजर में 0 है। और एक बच्चा अगर वो ठीक ठाक 70-80% में लेता है लेकिन अगर अपने वालिदैन का फरमा बरदार है तो वो कामयाबियों की मंजिलों को नहीं, वो कामयाबी की सरहदों तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो अपने वालिदैन की बहुत कदर कीजिए, अपने उस्तादों की बहुत कदर कीजिए। वरना आप लोग ये भी देखते होंगे कई बार जब वीडियोज वगैरह आते हैं, स्मार्टफोन का दौर है तो आप लोग जो हम लोग देखते हैं, मैं तो बड़ा हसास किस्म का शख्स हूँ, बड़ा सेंसिटिव हूँ, तो मैं जब देखता हूँ, अभी मैंने देखा किसी ने एक बाप ने जो है वो वीडियो करके उस पर फेसबुक पे कहीं पर से डाली हुई है, एक बच्चा है छोटा सा और अपनी माँ की कब्र पर जाकर जो है वो नए जूते, छोटा सा बच्चा है, मैं समझता हूँ दूसरी तीसरी का बच्चा रहा होगा, तो वो बच्चा अपनी माँ की कब्र पर नए जूते है चप्पल जो लिए हुए तो वो जूते लेकर कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र के पास जाकर खड़ा हुआ है और वो बाप जो उसका वीडियो बना रहा है और वीडियो पोस्ट किया हुआ है और बच्चा अपनी माँ को दिखा रहे कि माँ मैंने नए जूते ले लिए, देखिए। आप सोचिए उस कर्ब को आप नहीं महसूस कर सकते। एक बच्चा अपनी माँ की कब्र पर जाकर जो रो रहा है बता रहा है, एक बच्चा जो नौकरी लगने के बाद में जिसने कभी जिंदगी में अपने बाप की कदर नहीं की वो जाकर अपने बाप की कब्र को बिलक बिलक कर रो रहा है और उसकी कब्र पर जाकर कह रहा है कि बाबा आपको बड़ी तकलीफें थी, आपने बड़ी मेरी ताल्लुक से सोचते थे कि इसका क्या होगा, इसका क्या हो गया, लेकिन जो है वो आज मुझे नौकरी मिल गई और आप मेरे साथ में नहीं है तो आज जो है वो आपकी फिक्र खत्म हो गई, अब आप बड़े आराम से सो जाइए कि आप मुझे नौकरी मिल गई है। वो वालिदैन जिन्होंने अपने आप को शायद कभी उन्होंने महसूस भी नहीं किया होगा कि आपके पिकनिक के पैसे देने के लिए या आपके स्कूल की खैर यहाँ पर फीस तो नहीं होगी लेकिन दूसरे आपके खराजात पूरे करने के लिए, आपकी जो है वो ईद के कपड़े देने के लिए, एक वालिद कई सालों तक अपना एक जोड़ा पहनता है, कहता है मुझे कोई जोड़ा पसंद नहीं आया, बाजार में कोई जोड़ा नहीं था, लेकिन कोई ईद आपके बगैर कपड़ों की नहीं करता, उस वालिद की तस्वीर आपके जहन में होनी जरूरी है।
और ये ऐसी नेमतें हैं कि जिनकी नेमतों का जो है वो जिक्र कहीं पर नहीं हो सकता। याद रखिए, आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, ये उस्मानी शबाब का दौर है, या आप लोग अभी नौजवानी की उम्र में जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में किसी ऐसे रिश्ते की तरफ जाकर कहीं किसी भी तरीके से, या कहीं अभी जैसे कि गलत रास्ते पर चलकर अपने वालिदैन को ठेस मत पहुंचाइए, अपने वालिदैन के जज्बात के साथ बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि ये आपकी दुनिया और आखिरत का वाहिद और वाहिद जरिया कामयाबी का है। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। आपकी कामयाबियां, आपकी जिंदगी की सारी फुतूहात जो है उन वालिद के कदमों के उस चप्पल के धूल के बराबर भी नहीं हो सकती जिन्होंने मेरे और आपके लिए जो है उस चप्पल, आप कभी जाकर देखिए तो उनके चप्पल के नीचे से भी सुराख हुए होंगे, उसके अंदर से कांटे भी चुभते होंगे, उनकी कमीज में, उनकी शर्ट में, उनकी पैंट में जो है वो आपको सुराख भी दिखाई देंगे, उनकी चप्पल में से वो अंदर आने हुए कांटे भी दिखाई देंगे। आप कहेंगे अब चप्पल ले लीजिए, तो कहेंगे नहीं बेटा वो ले लूंगा, अभी तो ये कुछ देर चलेगी। अब आपके पास में उनने जो मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दिया होगा वो देखिए, और आपके वालिद कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे ये देखिए। उस वालिद की अगर तस्वीर आपके जहन में नहीं है, और अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि कामयाब हो तो नहीं हो सकता। यही बहुत सारी चीजें थी जो आपके सामने मुझे रखी थी। इसके अलावा है उसको और बहुत सारी है, लेकिन वक्त का तकाजा भी है, तो ये सारी चीजें जो है मैं बहुत मुझे मैं देखिए बोलना बोलना तो आता नहीं, और शब्बीर सर की करम फरमाई है। शब्बीर सर खुद एक बहुत अच्छे मुकर्रर है, मुझे बुलाया, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मुझे खड़ा किया, ये मेरी इज्जत अफजाई है। और जो कुछ टूटे फूटे बेरब किसी को चीज़ें थी, रब से कोई तकरीर मुकर्रर कर तो नहीं हूँ, तो बेरब किसी को चीज़ें थी यहाँ वहाँ की आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपके काम में आए, और किसी भी किस्म की गलती के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। और जिस तरीके से आपने सुना है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मुस्तकबिल के बहुत सारी नेक ख्वाहिशें और ढेरों दुआएं, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।